ये ये देखो। ये है एक बहुत ही भयंकर बॉक्स। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे बट इसके अंदर ऐसी चीज है, है, है। जो जो मतलब आप लोग सोच भी नहीं सकते जी हाँ बेसिकली ये एक प्रोडक्ट है डायसन की तरफ से आप बहुत सारे को पता होगा डायसन कौन सी कंपनी है और क्या प्रोडक्ट बनाती है चलो तो खोलते हैं देखते हैं कैसा है so, भाई साहब सो so गाइस जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ डाइसन के वैक्यूम क्लीनर की मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस प्रोडक्ट को लेके ओ भाई साहब इधर देखो गोल्डन गोल्डन क्या ही लुक दे रहा है भाई साहब अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस तो देखो क्या ही कड़क है क्या ही नेक्स्ट लेवल बना रखा है चीजों को तो यहाँ पर कुछ अटैचमेंट भी है ये है डाइसन का मेन वैक्यूम क्लीनर वो चालू है तो और आवाज है। एक जेट का ना। अच्छा एक बैटरी पावर्ड है पावर है मीडियम इको मीडियम उसके बाद ये बूस्ट मोड फर्स्ट टाइम यूज करने से पहले पूरी तरीके से चार्ज कर लो उसको चलो ठीक मान लेते हैं ये बात को ये चार्जर से चार्ज हो गई है बेसिकली तीस बत्तीस वोट का चार्जर है सो गाइज एक काम करते हैं इसको सबको मैं सेटअप करता हूँ कुछ टेस्ट करता हूँ छोटा मोटा कैसा चलता है क्या चीजें कैसे होती हैं, उसके बाद आप लोग के सामने लेके आता हूँ तो भाई मैंने काफी ज्यादा टेस्टिंग करी है सब कुछ यहाँ पर मैंने खोल के ला के रख लिया ताकि मैं आपको बता सकूँ कि, कि इसके अंदर आता क्या क्या है अब इसके अंदर कुछ कुछ मोटराइज हेड देखने को मिलता है और कुछ कुछ नॉन मोटराइज हेड देखने को मिलता है सबसे पहले तो ये जो आप लोग देख रहे हो ये जो डंडा है ये वांड इसको वांड इसको बोलते हैं एक्सटेंडिंग मतलब कोई भी टूल को आप बड़ा एक्सटेंड करने के लिए इसको लगाते हो सबसे पहले ये दिखाता हो सबका नाम है लेजर स्लिम फ्लफी हेड अब लेजर क्यों क्योंकि इसके अंदर यहां पर लेजर लाइट लगी हुई है कोई भी हेड वगैरह लगाना बहुत सिंपल है बस इस तरह से लग जाता है इधर रेड कलर बटन है तो दबा के निकाल दो ये सारी चीजों का ऑपरेशन कैसे वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा ये वाला जो है लेजर वाला फ्लफी हेड फ्लफी है तो भाई ये हार्ड सर्फेस के लिए है टाइल्स वगैरह पे

ये जो चार्जिंग का डॉक है इधर पे चार्जिंग का डॉक है यहाँ पर नीचे ये भी लग जाएगा तो ये दो लग गया प्लस एक ये वाला टूल इधर लग गया तो एक साथ स्टोर करने की जहां बात आती है पांच अटैचमेंट्स एक साथ स्टोर कर सकते हो जो मेरे को काफी सही लगा यहाँ पर अब ये जो ये सारी चीजें हैं ये नॉन मोटराइज है ये क्रेविस टूल है कर पतली जगह जो जाली वगैरह की रीलिंग होती है उसके अंदर जाके आराम से सारा कचरा खींच लेता भाई बहुत ज़बरदस्त है और ये जो है ये हार्ड ब्रश है इसका जो मतलब स्टबन ब्रश बोलते हैं इसको अब ये जैसे बहुत ज्यादा ऐसी जगह जहाँ पर कचरा ज़्यादा है थोड़ा मेहनत लगेगा तो ये हार्ड ब्रश काम आता है लेकिन आपको कोई सॉफ्ट जगह साफ़ करनी है जैसे कीबोर्ड वगैरह हो गया कोई डेलिकेट चीज़ें हैं उसको साफ़ करने के लिए ये सॉफ़्ट ब्रश यूज़ कर सकते हो अब ये सॉफ्ट ब्रश से होता क्या है कि मतलब आप कोई भी ऐसी जगह साफ़ करते हो ना जो डेलीकेट है तो टूटती नहीं है स्क्रैचेस भी नहीं देते तो बहुत अच्छा है ये चीज ये और ये है कॉम्बिनेशन टूल अब ये बेसिकली जो क्रेविस टूल है और सॉफ्ट uh, वाला है उसका काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन है इधर आपको सॉफ्ट ब्रश भी देखने को मिलेगा लेकिन आप जैसे uh, कोई ऐसी जगह है जहाँ पर आपको डायरेक्ट क्रेविस टूल चाहिए तो इसको ऊपर कर लो एंड क्रेविस टूल आ जाता है डायरेक्ट क्रेविस टूल से यूज़ कर सकते हो तो अभी चलो सारी चीज़ें टेस्ट करते हैं देखते कैसा है अब ये वाला जो टूल है जैसे आप लोग देख रहे हो जैसे मैंने बताया ये टूल से आप सॉफ़्ट सर्फेसेस है कारपेट वगैरह वो क्लीन कर सकते हो तो यहाँ पर देखो ये रग है इसको प्रेयर रग कहते हैं जाना कहते हैं तो इसको क्लीन करना है बस इस तरह से देखो एंड ये इस तरह से पूरा क्लीन कर देता हूँ तो कुछ इस तरह से इसको ईजीली क्लीन कर सकते हो एंड जो सारा uh, माल मटेरियल रहेगा यहाँ से खिंच के ये पाइप के थ्रू इसके अंदर आ जाएगा एंड यहाँ से इसको आप खाली कर सकते हो यहाँ पर मैक्स का जो वार्निंग है ये चीज देख लेना अगर ये मैक्स का डब्बा भर गया यहाँ तक भर गया इतना डब्बा भरा फटाक से खाली कर दो भाई सो so गाइस देखो यहाँ पर पूरी एकदम गंदी हो चुकी है बैलकनी ठीक है ये वाला अटैचमेंट हम यूज़ करके देखते हैं जो लेजर के साथ में आता है बिकॉज फ्लैट सर्फेस पे यही वाला यूज करने के बोला गया है अब बहुत ज्यादा गंदगी है देखो भाई बहुत ही खतरनाक तरीके से साफ करता है ये मतलब ये जो पूरा टाइल्स है वो इतना क्लीन हो जाता है ना जैसे पूछा मार दो ना वैसा उतना क्लीन हो जाता है ये वाला देखो गंदगी देखो ये किया एक, एक हाथ मारा साफ छः तीन सात दिन हो गया इसको साफ नहीं किया बहुत धूल है यहाँ पर डन लेदर का जो ऑप्शन है इसको हम ऑन करते हैं और लेजर का पावर दिखाता तो हूँ मैं आपको देखो जब मेरे पास आया तो मैं लेजर वेजर तो एकदम यूजलेस होगा लेकिन अंधेरे में यूज करो आपको दिख रहा होगा देखो ये मैंने एक हाथ मारा ये लेजर का पावर है कहाँ पे धूल मिट्टी है क्या है सब दिखाई देता देखो दिखाई जो पूरी रेलिंग है बहुत ज्यादा उसके अंदर गंदगी भर गई है पतली जगह है पे तो हम ये यूज करें ओहोहो क्या क्लू किया यार ये वाला जो आप लोग अटैचमेंट देख रहे हो छोटे वाला इस हम यूज कर सकते हैं सोफा वगैरह क्लीन करने के लिए तो ये वाला सोफा गई थोड़ा गंदा हो गया ओ भाई तो धूल मिट्टी बैठी है सब साफ कर देता है सो so अभी ना मैं बाहर आया हूँ इधर पे अपनी कार खड़ी है क्या हो गया है अभी हम रिसेंटली गोवा जाके आए हैं जिसकी वजह से कार बहुत ही ज्यादा गंदगी है तो मैं बोला डिटेलिंग वालों से साफ सफाई कराने से अच्छा मैं एक बार ये वैक्यूम का ट्राई करेंगे भाई देखो गंदगी देखो कितनी भयंकर है ठीक है पूरी गाड़ी एकदम से घान हुई पड़ी है बहुत जबरदस्त तो तरीके से साफ करता है गाइस देखो यहाँ पर बहुत ज्यादा गंदगी है कारपेट है और थोड़े बाल वगैरह भी है तो बाल जो है वैक्यूम क्लीनर के दुश्मन होते भाई देखो पूरा एकदम काफी ये जो है ये दाग धब्बे है उसके अलावा सारी चीज़ें इसने बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया है तो ये पावर है बिफोर आफ्टर देख लो कितना भयानक क्लीन किया है इसने तो पावर तो है दमदार स्क्रू टाइप का देखो ना ये पूरा ऐसा स्क्रू टाइप का घूमता है अंदर के तो इसके वजह से टेंगल नहीं होता कुछ भी सो so कहीं अभी देखो ये वाला जो अटैचमेंट है ये जैसा छोटी मोटी जगह ए सी के अंदर का पार्ट है वो सब साफ़ करना तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पर मैंने लगाया एंड इस तरह से मैं क्लीन कर सकता हूँ तब डैशबोर्ड वगैरह जो है इसको मैं क्लीन कर सकता हूँ पेड़ के नीचे हमारी गाड़ी खड़ी होती है देखो यहाँ पर है ना डिग्गी के पीछे देखो यहाँ पर जो बीच में यहां पर भी कचरा भर जाता है मतलब पत्ते भर जाते हैं यहाँ बूस्ट मोड़ में सर so ये देखो ये वाला जो अटैचमेंट है इसके जो ब्रिसल्स है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है इवन अंदर साइड में सॉफ्ट आपको पैनल देखने को तो मिलता है बेसिकली ये आप लोग के घर में हैं क्रॉकरीज हैं अब जैसे मेरे पास कमजोर चीजें यही है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जैसे आप लोग देख रहे हो यहाँ पर देखो यहाँ पर कितनी गंदगी है। मेरे को अपना कीबोर्ड वगैरह साफ करना है अभी मैं इसको पूरा यूज कर रहा था जैसे आप लोग पूरा बिन जो है एकदम कम्प्लीटली भर चुका है चलो इसको खाली करने का मैं बताता हूँ तो देखो आपको निकालना है कोई भी कचरे का डब्बा वगैरह हो तो यहाँ पर जो रेड कलर का लीवर है बस इसको पुश कर दो पूरा जो कचरा है वो नीचे की तरफ गिर गया जैसे आप लोग देख रहे हो देखो अभी भी यहाँ पर थोड़ा सा कचरा है तो एक दो बार करो आप शायद वो निकल जाएगा देखो पूरा निकल गया कचरा ठीक है एक बार निकल गया फिर आपको इसको इस तरह से बंद कर देना यहाँ पर आके ये लॉक हो जाता है अब यहाँ पर पीछे के साइड में फिल्टर आ गई बहुत ही ईजीली इसको लूज करके आप निकाल सकते हो एंड देखो यहाँ पर गंदगी भर गई है ठीक है थोड़ा सा ये जो गंदगी आप लोग देख रहे हो इसको अगर आप हर महीने क्लीन करते रहोगे ना इसको धुलना रहता है देखो यहाँ पर अभी नल की फोटो बनी हुई है तो इसको धुल के आप सुखा लो और मेक श्योर करना की सुखाने के बाद ही उसको वापस लगाओ क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है पानी से दूर तो अच्छा है। पर ये कुछ इस तरह से लग गया बहुत है निकालना लगाना फिल्टर को पर अच्छा मैक्स कचरे का ऑप्शन है कितना भर जाए तो ये निकाल के फेंक दो यहाँ तक कचरा आया तो पूरा निकाल के फेंक दो लेकिन बनाया है यार एक नंबर चीज बनाई है डाइसन वाले ने गोल्डन यहाँ पर एकदम मतलब इट लुक्स लाइक कि भाई कोई स्पेस uh, शिप में या फ्यूचर से आई हुई चीज लगती है फॉर श्योर sure। जैसा देखो ना ये सब डिजाइन जो दिया हुआ है बहुत ही नेक्स्ट लेवल लगता है डिजाइन में वैसे कहते इसको ऑपरेट करना बहुत इजी है बस ये जो बटन है मेन इससे सब चलता है इसको एक बार बटन दबाओ बट यार इसके अंदर ना लॉक वाला ऑप्शन होना चाहिए कि बटन दबाओ और उसको लॉक कर दो कभी कंटिन्यूसली दबा के रखते हो ना ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा सा अगर इसमें लॉक वाला ऑप्शन होता ना एक बार चालू करके छोड़ दो लॉक हो जाए तो फिर वो अच्छा होता और पीछे के साइड में पर आपको एक स्क्रीन देखने को मिलती है स्क्रीन के जस्ट नीचे एक बटन है जिससे आप इसका पूरा जो सिस्टम है उसको ऑपरेट कर सकते हो जैसे एक बार दबाया आपने तो बूस्ट मोड में जाएगा फिर मीडियम मोड फिर उसके बाद इको मोड जो ये बीच में मीडियम मोड है यही इसका ऑटो मोड है तो बेसिकली जो मोटराइज अटैचमेंट है यहाँ पर जितने भी वो जब आप कनेक्ट करते हो तो जो मीडियम मोड है वो एज अ ऑटो मोड काम करता है जब आप नॉन मोटराइज्ड कोई भी अटैचमेंट कनेक्ट करते हो तो जो ऑटो मोड है वो मीडियम मोड की तरह काम करता है जैसे आप लोग देख रहे हो यहाँ पर मीडियम मोड आ गया क्योंकि ये नॉन मोटराइज्ड अटैचमेंट है एंड जब कोई मैं मोटराइज्ड अटैचमेंट लगाता हूं तो वही मीडियम मोड जो है वो एक ऑटो ऑटोमेटिक मोड की तरह काम करता है देखो तो तो अभी फिलहाल बैटरी कम है मैंने यूज किया बहुत देर इतने देर अपने देखा पूरी टेस्टिंग उसके बाद अभी बाईस मिनट तो इको मोड में चलेगा सोचो मीडियम मोड की बात करूं यहाँ पर जैसे अपना चलाऊंगा हाँ। तो मीडियम मोड में बारह मिनट चलेगा एंड बूस्ट मोड में दो मिनट चलता है जब फुल चार्ज कर दो पुस्ट तो मोड के अंदर ये लगभग आठ मिनट चलता है एक घंटे के आसपास ऑटो मोड में चलता है इको मोड में एक घंटे से भी ज्यादा चलता है तो भाई बैटरी लाइफ तो यहां पर मेरे कोई को प्रॉब्लमेटिक नहीं मिली अच्छा इसके अंदर और ऑप्शन भी है जैसे ये बीच का बटन को मैं दबा दबाकर रूंगा बीच का नहीं एक ही बटन है तो यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन है लैंग्वेज बेसिकली आप मल्टीपल लैंग्वेज का सपोर्ट है वो चूज कर सकते हो अलर्ट्स में तो अलर्ट्स आएगा वो छोड़ दो पार्टिकल काउंट है ना इसको दबा के रखोगे तो देखो उसका आया दबा के रखूंगा तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा तीन सेकंड में ये ऑफ हो जाएगा उसके सकता मोटर सेंसिटिविटी तो आप बाहर से ही चूज कर सकते हो तो अभी यहां से मैं एग्जिट कर दूं दबा के रखने पर एग्जिट आता है तो मैं निकलूंगा नहीं तो यहां पर पार्टिकल काउंट नहीं दिखा रहा खाली बैटरी दिखा रही है बस अब मैं अगर पार्टिकल काउंट ऑन कर देता हूं ठीक है ऑन कर देते हैं हम पार्टिकल काउंट अभी अगर मैं चलाता हूं गाड़ी को तो यहाँ पर सब अलग अलग टाइप के जो पार्टिकल्स ये पिक कर रहा है जो पिक कर रहा है उसका साइज यहाँ पर बताता है कि कितना टेन आई गेस नैनोमीटर होता ही है उसके बाद सिक्सटी नैनोमीटर से छोटा फिर वन एटी ननोमीटर फिर फाइव हंड्रेड और वो कितने पार्टिकल पिक कर रहा है वो भी देखो दो लाख पार्टिकल उसने पिक किया जो टेन नैनोमीटर से भी छोटे है जो एक नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल है वो एटी सेवन तो ऐसा उधर पे काउंट लिख के आता है बट आई डोंट थिंक सो की ये हमारे लिए नॉर्मल लोगों के लिए ज्यादा यूजफुल है अगर आप लोग तो को ये सब चीजों में इंटरेस्ट हो तो आप देख सकते हो मुझे पर्सनली इतना यूजफुल लगा नहीं बट ठीक है वो इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा है तो अगर आप हो पार्टिकल वगैरह के लिए तो मस्त है उस सो so देखो से आप से आप इधर चार्जिंग पे लगा सकते हो उसको और जैसे ये चार्ज पे लगाओगे आप लोग तो यहाँ पर देखो इधर पे आपको एक इंडिकेटर देखने को मिलेगा ये जो आप छोटी सी लाइट देख रहे हो ये जल गई प्लस यहाँ पर आपको डिस्प्ले में भी दिखाएगा की कि कि कितना परसेंट चार्ज हुआ है कितना नहीं हुआ है ठीक है सो so ये जो अटैचमेंट है ये एक्चुअली अटैचमेंट नहीं है मतलब ये चार्जिंग का डॉक है कुछ इस तरह से ये चार्जिंग डॉक आप अपने कोई भी वॉल के ऊपर लगा सकते हो बहुत इजी होता है ऐसा बस लगाना है कहीं पे भी वैसे ये सब आपको करने की जरूरत नहीं होती है जो इनके बंदे हैं डाइसन वाले वो आपके घर पे आके इंस्टॉल करके जाएंगे लेकिन इंस्टॉल करना बहुत ईजी है यहाँ पे दो स्क्रू लगाना है बस इसको अटैच कर देना है और उसके बाद जो आपका चार्जर है उसको यहाँ पर फिट कर देना है फिट करने का कर लॉक हो जाएगा ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है ये सब डायसन वाले खुद करके देंगे आपका जो वैक्यूम क्लीनर है वो कुछ इस तरह से अपने डॉक पे जाके रखे रहेगा आपका जो पूरे अटैचमेंट के साथ में ऐसा ला, रहेगा और एक ही साथ में मतलब उसको एक जगह पे फिक्स करो तो दो एक घर के कॉर्नर में तो यहाँ पर ये लगे भी रहेगा और चार्ज भी होता रहेगा आपको फिर मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं आपने साफ सफाई करी डॉक पे लेके जाके लगा दिया अपने आप वो चार्ज भी हो जाएगा फुल और फिर जब दोबारा यूज़ करना है वापस लो इधर से अपना डॉक पे से, से निकालो और लेके जाके यूज़ करो सॉर्टेड बहुत ईज़ी प्रोसेस तो so क्या जैसे आपने देखा हमने काफ़ी ज़्यादा टेस्ट करा काफी ज्यादा कचरे साफ किए बहुत सारी साफ सफाई करी इससे एंड आई हैव टू से भाई एक ही स्टेटमेंट इस पे जमता है दिस इज अ एप्पल ऑफ वैक्यूम क्लीनर मतलब ऑलमोस्ट हर मामले में टॉप ऑफ द लाइन है कॉर्डलेस है भाई

वाली फील मैंने करी मजा आया भाई। मुझे तो बहुत लगा ये वाला। अगर आप लोग देख रहे हो ऐसा कुछ वैक्यूम क्लीनर तो जो है डायसन ने हमको भेजा है बट ऑनेस्टली गई भले डायसन ने भेजा है आई रियली लव दिस प्रोडक्ट मेरे को बड़ा मजा आया दमदार प्रोडक्ट है फॉर श्योर sure भाई बस इतना ही था इस वीडियो में आई होप आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो यू सो मच बाय बाय